Good morning, students. So today our topic is Kirchhoff's law. Last class में हमने जैसे पढ़ा था resistance, cells, combination of cells in series, cells in parallels, वगैरह वगैरह. कैसे हम grouping करते हैं cells की grouping. पहले हम resistance की grouping की थी हमने. Last class में हमने cells की grouping की, cells in series, cells in parallel. आज हम नया topic पढ़ते हैं Kirchhoff's law. लास्ट ऑफ यूनिट है, सेकेंड यूनिट का ये Kirchhoff's law. सेकेंड Kirchhoff's ने क्या किया, 1942 में एक लॉ दिया. Kirchhoff's पुट फॉरवर्ड ए लॉ इन 1942 किस लिए, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उनको सॉल्व करने के लिए 1942 में Kirchhoff's ने एक लॉ फॉरवर्ड किया, विच इज नोन एज दो लॉ फॉरवर्ड किए. एक Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, जिसको हम Kirchhoff's जंक्शन लॉ भी कहते हैं, Kirchhoff's करंट लॉ भी कहते हैं. और सेकंड लॉ है Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, पहला करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ. फर्स्ट लॉ देखते हैं हम पहले. Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, इसको हम कहते हैं Kirchhoff's जंक्शन लॉ भी कहेंगे हम. Kirchhoff's जंक्शन लॉ, या फिर इसको कहेंगे हम Kirchhoff's करंट लॉ. लॉ इसको हम करें, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स meeting at a junction is equal to zero. अब क्या है जंक्शन, क्या है जंक्शन, बोलते हम ऐसे पॉइंट को जहां करंट जो है, यहाँ हम जंक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ करंट आए और जाए, वेयर करंट एंटर्स और लीव्स, ऐसे पॉइंट को जहाँ करंट जो है आए भी और करंट जाए भी. करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो. एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इंटेग्रल आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. अब कंसीडर ए जंक्शन एट पॉइंट ओ वेयर फाइव conductors of currents are flowing. Currents of the conductor are meeting. एक junction पे, ये है junction. एक दो तीन पाँच, इसको आई वन लेते हैं हम, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, ये है ओ. एक पॉइंट लिया हमने जंक्शन पॉइंट, जहाँ लेट
I1, I2, I3 and I5 be the current at a junction. Junction पे current ये है, at which direction is given. Direction is given. Direction given है यहाँ पे. Sign convention आपने use sign convention. The current current flowing towards the junction are taken as positive and the current flowing away from the junction taken as negative. अब जो है साइन कन्वेंशन क्या है इसका, करंट फ्लोइंग टू, ये जंक्शन पॉइंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आज टेकन एज नेगेटिव. यहाँ देखो डायरेक्शन दिया है, ये टुवर्ड्स, ये टुवर्ड्स, ये अवे, ये टुवर्ड्स, ये अवे, ये टुवर्ड्स यूज करते हैं हम. यूज फर्स्ट लॉ एट ओ, ठीक है. यहाँ पे हम जंक्शन के पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करते हैं. I1 टेकन एज पॉजिटिव, I2 अंदर आ रहा है, ये I3 बाहर जा रहा है. इस तरह से हम देख सकते हैं I3, I4 और ये भी बाहर जा रहा है. फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव टुवर्ड्स पाथ, किसके इक्वल हो गए, इंटीग्रल सम जो है जीरो के इक्वल हो गया. अब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो. I1 प्लस I2 प्लस I5 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, माइनस I3 माइनस कॉमन लिया I4 इज इक्वल टू जीरो. I1 या ये देखो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, टोटल सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, ये सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में आपने जंक्शन के पास एक दो ही चीज़ें देखनी है, करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड द जंक्शन अगर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव लेना है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो नेगेटिव लेना है. ये इंटेग्रल अलजेब्रिक सम जो है जीरो है, इसको आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. यहाँ यहाँ देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, ये जीरो है, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ राइट साइड में, ये बनेगा I3 प्लस I4. अब I1 I2 I3 देखना, I1 टुवर्ड्स I2 टुवर्ड्स I3 अवे था,
I5, I2 plus I5, I3 और I4, ठीक है, I1, I2 एंड I5 तीनों है करंट एंटर हो रहे हैं, किसके इक्वल है I3 एंड I4, I3 एंड I4 दो करंट जो है बाहर जा रहे हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द करंट flowing away from the junction, ठीक है। देखो इस तरह से current entering at a junction is equal to current flowing away from the junction, ये तीन I1, I2 and I3 तीनों की direction क्या थी, टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन यहाँ पे था, जंक्शन ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ करंट आए भी और जाए भी, एंटर भी करे और लीव भी करे। फिर यहाँ पे लिखते हो आप करंट लीविंग द जंक्शन, ज्यादा ठीक रहेगा, लीविंग द जंक्शन। अब ये तीन एंटर कर रहे थे और ये तीन लीव कर रहे थे, ये डेफिनेशन आपने यहाँ भी लिखी, यहाँ दूसरी डेफिनेशन लिखी, एट ए जंक्शन करंट एंट्रिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ये तीन जो है करंट एंट्रिंग है और तीन ये लीविंग वाले करंट है, ठीक। फर्स्ट लॉ में इतना ही है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन एलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब ये लॉ जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे मैं बताता हूँ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, फिर बताता हूँ इनकी डिफरेंसेस। यह करंट एंटरिंग और यह लीविंग, यह था फर्स्ट लॉ आपका। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड लॉ, लूप्स लॉ सेकेंड लॉ, क्रिचॉप्स लूप लॉ या कहेंगे, या इसको कहेंगे हम क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। इट स्टेट्स दैट वोल्टेज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इन ए क्लोज्ड लूप is equal to the zero। पहले हमने पढ़ा था,
फर्स्ट लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द जीरो. सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं, इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट ईएमएफ, अलजेब्रिक सम वोल्टेज एट ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द जीरो. जीरो के इक्वल होना चाहिए. E प्लस वी अलजेब्रिक सम जीरो के इक्वल. अब E प्लस वी आ गया आई आर. इस तरह से यह है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट. ठीक है, प्रूफ लिखते हैं हम. प्रूफ कंसीडर टू सेल्स हैविंग EMF E1 and E2 इस तरह से. R1, R2 and R3 be the resistances. R1, R2 and R3 be their resistances connected. यह है E1, यह है E सेकेंड. A, B पॉइंट्स, C, D, E एंड F. यहां से आएगा इस तरह से करंट I1, यहां से आएगा दूसरा करंट I2. दो सेल्स है. अब इस तरह से आएगा, यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2. ये हम मानते हैं एक I3 है. तीसरा करंट, इसमें तो कोई सेल नहीं लगा, यहां तो कोई करंट नहीं आ रहा है, बस इस तरह से आएगा करंट, यहां चला जाए. अप्लाई KVL लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इस मैश में हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लेते हैं हम इस तरह से. करंट ऐसे ही चल रहा है, आप ऐसे भी ले सकते हो. डायरेक्शन ये जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो अपोजिट आ जाएगी, इस तरह से ले रहे हो आप इन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट. अप्लाई KVL एट मैश, या मैश बोलो या इसको या लूप बोलो. लूप ए बी ई एंड एफ, ए बी ई एंड एफ. इस मैश में हम KVL लॉ यूज करेंगे. KVL लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड EMF इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द जीरो. अब यहां से हम चल रहे हैं, ये है R1 आया, रेजिस्टेंस वन, इस तरह लिखते हैं हम. करंट यहां पे फ्लो कर रहा है I1 R1. ठीक है, इस तरह से चल रही है. पॉजिटिव में है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर ऐसे आ रहे होते नेगेटिव में आता. ये आ रहे हैं हम इस तरह से, इस मैश में हम चल रहे हैं. यहां R2 करंट क्या है, I3 है, प्लस I3 R2. ठीक है, आया इस तरह से करंट इस मैश में, यहाँ पहुँचा. यहाँ E1 सेल है, सेल का EMF है E1 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है,
माइनस आएगा, माइनस है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस तरह से यहां से आ रहा है फर्स्ट, ये यहां पे पॉइंट है एट पॉइंट भी, यहां हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, यूज केवीएल फर्स्ट लॉ, कहां पे एट पॉइंट बी, बी पे ये है यहाँ केवीएल लॉ यूज किया हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द जीरो। ये जंक्शन लिया हमने, यहाँ पे अब जो जो करंट आ रहा है और जा रहा है, जो करंट आ रहा है इंटीग्रल मल्टीप्लाई है अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एट पॉइंट हमने फर्स्ट लॉ यूज किया, यहाँ पे ये वाला करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, एंटरिंग है दोनों, थर्ड है लीव कर रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I एंड I3। सेकंड, यहां पे हमने क्या फर्स्ट लॉ यूज किया, हमने प्रूफ स्टेटमेंट तो ये था, प्रूव करना है इसको, सम ऑफ ई एम एफ एंड वोल्टेज इज इक्वल टू द जीरो। अब यूज करो इस इक्वेशन को यहां, यूज इक्वेशन टू इन वन, आई वन आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू आर टू माइनस ई वन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन दूसरा लूप है ये, अप्लाई केवीएल ला कहां पे इन मैश या लूप बी सी डी एंड ई, ठीक है। इसमें हम केवीएल सेकंड ला यूज कर रहे हैं, इस तरह से चलेंगे हम यहां से, ये I2 R3, ये है यहाँ से I2 एंड R3, यहाँ पहुँचे हम R2 के पास, प्लस I3 एंड R2 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मुझे यहाँ यूज करते हैं हम यहाँ पे यूज ये वाला इक्वेशन सेकंड, इस लूप पे हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी I2 R3 प्लस ये वाला R I3 I3 I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस EMF of seconds. Fourth equation.
यूज करते हैं हम। आई वन प्लस आई टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड ये है आई वन आर वन, ठीक है, प्लस आई वन प्लस आई टू आर टू माइनस ई वन माइनस आई टू आर थ्री प्लस आई वन प्लस आई टू आर टू माइनस ई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉजिटिव एंड ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन लिखी मैंने आई वन आर वन आई वन प्लस माइनस ई वन माइनस आई टू आर थ्री प्लस माइनस आ जाता है यहाँ पे माइनस एंड प्लस, ठीक है, ये एंड ये कैंसिल आई वन आर वन आई टू आर टू ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये किसके इक्वल है वी सिग्मा ई, कैसे वी होता है पुट वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई आर आई वन आर वन आई टू आर टू अलजेब्रिक सम वोल्टेज सारों का आ रहा है, यहाँ दो ही है, दो का आ रहा है, तीन होते तीन का आता, जितने होते हैं उनका अलजेब्रिक सम आ गया। यहाँ ई एम एफ ई टू माइनस ई एम एफ, ये दोनों का ये ई एम एफ है और ये बना इट इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज एंड अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एंड ई एम एफ इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका हुआ सेकेंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ जो है सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो अभी हमने पढ़ा था वो यूज कर सकते हैं हम ओपन सर्किट में भी क्लोज लूप में भी, दो इट कैन बी इन ओपन इट कैन बी इन क्लोज लूप। और ये जो है सेकंड लॉ है जो ओनली क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल है, ओनली क्लोज लूप के लिए। तो वो फर्स्ट लॉ में जो है एलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, और सेकंड लॉ में सम ऑफ वोल्टेज प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ईएमएफ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एप्लीकेबल होता है क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए इट कैन फर्स्ट लॉ कैन बी इन ओपन और इन क्लोज्ड। ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और वो सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, थैंक यू।